पटवारी भर्ती घोटाले के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया गया पुतला दहन। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के निर्देश अनुसार युवा कांग्रेस विधानसभा बिछिया के द्वारा मुख्यालय बिछिया में व्यापम के द्वारा पटवारी परीक्षा में हुए फर्जी वाले घोटाले के विरोध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम बिछिया विधानसभा के विधायक नारायण सिंह पट्टा के द्वारा उपस्थित जन समुदाय को उक्त घोटाले के संबंध में जानकारी दी गई और मध्य प्रदेश सरकार जो कि 50% कमीशन वाली सरकार है उसके समस्त घोटालों को जनता के सामने अपने उद्बोधन में बताया। उपस्थित युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर विधानसभा अध्यक्ष विकास साहू द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। उक्त कार्यक्रम में बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बिछिया प्रदीप गोस्वामी, संगठन मंत्री अशोक राजपूत, विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र दीक्षित, मोहन पटेल, दादा विश्वकर्मा, सुंदर सिंह राजपूत, ब्लॉक अध्यक्ष घुघरी अरविंद कुशराम, पार्षद नारायणी साहू, पार्षद विकास गवले, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मयंक जोध, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष विनीत दांडिया, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष घुघरी अनुराग शर्मा सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।